दोस्तों यहाँ पे एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस जो वो निकल कर सामने आ रहा है BHCL की तरफ से, तो इसको हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसको। तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट है 2022 का, इंजीनियर ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, रेगुलर बेसिस पे है ये। तो किस तरह से अप्लाई हम कर सकते हैं ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उनको बता दूँ इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 4 अक्टूबर। अगर हम बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट 2022 निकाली गई है इंजीनियर ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, रेगुलर बेसिस पे ये। रिक्रूटमेंट टाइप रेगुलर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये जॉब है, सैलरी पोस्ट का नाम ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। पे स्केल की बात करें अगर हम तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक रह सकती है आपकी। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात करें तो ये भी सेम, ये दोनों की सेम ही यहाँ पे रहने वाली है। इंजीनियर ट्रेनिंग की 120 पोस्टें हैं और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की 30 पोस्टें जो हैं आपके लिए यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं। 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए आपको, किस किस में चाहिए ये आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सारे, इनमें आप लोगों ने अगर फुल टाइम बैचलर डिग्री करी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। देन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग, तो PG डिप्लोमा, ये सारी जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ अगर मैं आप लोगों के लिए, तो 27 ईयर, 2 साल का एक्सपीरियंस, अपर जो है वो 29 ईयर्स, देन ट्रेनिंग के लिए 29 ईयर्स रह सकती है। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फाइनल वेटेज आप देख सकते हैं, फॉर इंजीनियर ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग शेल बी प्रिपेयर्ड, 75% वेट जो वो आपका CBT एग्ज़ाम को दिया जाएगा और 25 जो वो इंटरव्यू होगा। तो 75% एग्ज़ाम एंड 25% जो वो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देन मैं एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करूं तो 500 रुपये रहने वाली है आपकी फ़ी, एंड 300 प्लस GST प्रोसीडिंग फ़ी SC ST के लिए। बाकी तो ये आप लोगों के लिए कुछ डिटेल है। 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही। ओके, गुड बाय।